नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। वक्त हो चला है देश प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों का। हरित ग्रुप ऑफ कंपनी डिजिटल सोलर इंडिया लाई है आपके लिए रोजगार का शानदार मौका। कंपनी को जिलों में चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर कोऑर्डिनेटर, एरिया मैनेजर, सेल्स मैनेजर और न्याय पंचायत कोऑर्डिनेटर। इसके साथ ही किसानों के लिए भी आया बम्पर ऑफर। कंपनी का स्मार्ट कार्ड बनवाने पर खाद से लेकर कृषि उपकरणों तक मिलेगी 50% तक की सब्सिडी और आसान किश्तों में मिलेगा सोलर पैनल। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है दुर्गापुर बाजार, मनसा कोल्ड स्टोरेज के पास, सुल्तानपुर प्रतापगढ़ नेशनल हाईवे, अमेठी। जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे कैदियों के लिए बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा 70 साल से ज्यादा उम्र वाले कैदियों को रिहा करने के लिए लिस्ट बना रहे हैं। सुल्तानपुर में अधीक्षण अभियंता ने धरना दे रहे किसानों और किसान नेताओं को दलाल कहा। इस दौरान धरना देने वाले किसान यूनियन के नेताओं से अधीक्षण अभियंता की नोकझोंक भी हुई। सुल्तानपुर में एसपी सोमेन वर्मा ने सभी जिलेवासियों को शबे बारात और होली की शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ एसपी ने लोगों से शांतिपूर्वक त्यौहार मनाने की अपील की। अमेठी में एरिया डोमिनेशन के तहत मोटरसाइकिल से चेकिंग की गई। इस दौरान सभी को शांतिपूर्वक त्यौहार मनाने की नसीहत दी गई। बहराइच में कोतवाली मूर्तिहा पुलिस ने गश्त किया। इस दौरान संदिग्ध दिखने वाले लोगों की चेकिंग भी की गई। रामपुर में कोतवाली स्वार क्षेत्र के चौकी मसवासी में शांति समिति की बैठक की गई। इस दौरान दोनों समुदायों से शांतिपूर्वक त्यौहार मनाने की अपील की गई। रामपुर में सीओ टांडा ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी रखने की तैयारियों की भी चेकिंग की गई। कानपुर में अगले दिन यानी 3 दिन बूंदाबांदी का आसार जताया गया है। बताया जा रहा है कि मौसम विभाग ने लखनऊ में तेज हवाएं चलने का अनुमान भी लगाया है। आपको ये खबरें कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबरें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इन खबरों से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।